प्रिंसिपल सर का कॉल इतनी रात को? हेलो ट्विंकल, गुड न्यूज। मिनिस्टर साहब हमारे फेस्ट में चीफ गेस्ट बनने के लिए मान गए हैं, लेकिन उनका शेड्यूल काफी टाइट है, तो हमें अपने फेस्ट का फिनाले जल्द से जल्द ही प्लान करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी जल्दी हम कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे? हमारे पास बहुत कम टाइम है। आई नो, इसलिए तो तुम्हें अभी फोन कर रहा हूँ। ट्विंकल, तुम्हारा और रॉकी जी का परफॉर्मेंस मेन अट्रैक्शन होने वाला है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ओके? ओके सर। आज जो भी हुआ उस सब के बाद मैं कुंज के साथ कैसे डांस करूंगी? इतनी मुश्किल से तो ट्विंकल ने मुझे ब्राउनी पॉइंट्स दी है, पर अब इस डांस की वजह से फिर से कुंज के करीब आ जाएगी। इस बार कुछ तो सॉलिड करना होगा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। गुड मॉर्निंग माय लूजर फ्रेंड। कहां जा रहे? इंस्टीट्यूट। बट वाई? जिसके लिए तूने इतने एफर्ट, इतनी मशक्कत करी, वो तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यू नो माई फ्रेंड, आई फील सो बैड व्हेन आई सी यू सैड। वेल, बैड लक, हाँ? आज मैं जीत गया कुंज और तू हार। प्यार में हार जीत नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। खैर, तू ये सब नहीं समझेगा क्योंकि तूने सच्चा प्यार किया ही नहीं है। वेरी गुड डायलॉग, लेकिन ये कोई चीजी मूवी नहीं है जहां पे तू ऐसे चीजी लाइंस बोले और लोग तालियां मारे। दिस इज रियल लाइफ माय फ्रेंड, यहां पे यू गॉट टू बी प्रैक्टिकल। ये जो तू इतना सैड होके ज्ञान बांट रहे ना, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू कुंज। एक काम कर, ये लो ये रुमाल रख ले, तेरे आंसू पोंछने के काम आए। कुंज यहां, लेकिन इसका रेजिग्नेशन लेटर तो मैंने खुद देखा था, तो फिर ये यहां क्या कर रहा है? जब भी मुझे लगता है कि मेरे रास्ते का कांटा हट गया, कोई ना कोई पत्थर सामने आ खड़ा होता है। क्या गया? कल रात से जब से मैंने तुम्हें वो सब कहा है, तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हो क्या गया? जब मैंने तुमसे बोला मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो कुंज, तो तुम मुझे अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और फिर जब मैंने कंप्लेन किया तो तुम मुझ पे गुस्सा निकाल रहे, वो भी ऐसे खुद ही गलती करते और खुद ही उस पे रिएक्ट भी करते। कुंज ना, सारी दुनिया ना तुम्हारे अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, सब कुछ भूल जाऊंगी तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से? कुंज, मैं तुमसे प्लीज रिक्वेस्ट कर, अगर हो सके तो प्लीज प्लीज अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आज हमारी परफॉर्मेंस पे हावी मत होने देना। आई रिक्वेस्ट यू, हमारे इंस्टीट्यूट की इज्जत का ख्याल, कैन यू डू इट? वेल डन कुंज, अगर तू ऐसी ही हरकतें करता रहा तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुद ही मेरा काम और इजी कर देगा। ट्विंकल, I'm sorry, मैंने ना सब सुन लिया। मुझे लगता है कि रॉकी सर ना तुम्हारा डांस फ्लॉप करवाना चाहते हैं, इसीलिए तुम वहां पे डांस करते रहोगी और रॉकी सर कुछ ना कुछ ऐसा करके तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। एंग्री यंग बॉक्सर जो है ना, वो इसीलिए। सर, तो यहाँ डांस की प्रैक्टिस करते रह जाएगा, लेकिन चांस पे डांस तो युवराज रुद्र ही करेगा। गोरी हो जाए। एंड नाउ फॉर द मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस बाय ट्विंकल तनेजा एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग सुपरस्टार, यानी कि हमारे कोच रॉकी सर। ट्विंकल जल्दी करना, देख अनाउंसमेंट भी हो गई।
आई लव यू सो मच ट्विंकल, तेरे लिए तो मैं पूरी दुनिया से फाइट कर लूं, तू कुछ क्या चीज है? Just give me one chance, baby doll, to prove my love to you. ट्विंकल, मैं मम्मी को फोन करना भूल गया था, अभी फोन करके आता हूँ. ओके सर, आपकी परफॉर्मेंस का टाइम हो चुका है, आप जल्दी से बैक स्टेज पे आ जाइए प्लीज. दरवाजा कैसे लॉक होगा? कोई है? कोई नहीं है, कुछ कोई नहीं. परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस फ्लॉप होने का टाइम आ गया. कुछ तो यही रहे और मैं बाहर संभालता हूं. किस तरह समझाऊं तुम्हें कि तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? इतनी कोशिश करता हूं वो पल वो वक्त लौट आए, लेकिन जितना तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करता हूं तुम उतनी ही दूर चली जाती हो. तो क्यों करते हो कोशिश? चले जाओ ना मुझसे दूर, जैसे पहले चले गए थे मुझे छोड़ दो. बुला चुकी हूं मैं, जीना सीख लिया है मैंने तुम्हारे बिना. झूठ नहीं, सच. सच है ये कि मुझे तुम्हारे बिना जीने की आदत हो गई है, भुला चुकी हूं मैं तुम्हें. झूठ बोल रही हो तुम, मान क्यों नहीं लेती? इतने साल हर दिन हर पल तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे याद किया. मुझे कभी एक पल भी तुम्हारी याद नहीं आई, कभी नहीं. और सच जानना चाहते हो ना, तो सच ये है कि तुमने एक पल मुझे याद नहीं किया. एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही हूं. खुद गर्ज निकला तुम्हारा प्यार, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा. झूठा था तुम्हारा प्यार, झूठी थी तुम्हारी कसम, झूठे थे तुम. सब कुछ सिर्फ झूठ. मानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन मेरा प्यार पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा है. यकीन नहीं आता तो मेरी आंखों में झांक कर देखो, आज भी सिर्फ तुम्हें अपना आंख दिखेगा. एक बार हमारे इस प्यार को, हमारे इस रिश्ते को मौका तो देकर देखो. Performance! You guys were awesome. Congrats. Congrats. Mind blowing. मजा आ गया. क्या performance? Thanks. I'm proud of you. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप लोग perform कर रहे हो. ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे से दिल की बात कर रहे हैं. Come on, sir. ये सब तो बस एक नाटक था.
मैं चेंज करके आता हूं। बेटा मैंने दुनिया देखी है, दैट्स व्हाई आई फील दैट कि तुम दोनों के बीच वही तो कनेक्शन है। रॉकी जी ने तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन आज अगर तुम इस इंस्टीट्यूट में हो तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। आज अगर रॉकी जी हमारे स्टूडेंट्स को कोच कर रहे हैं तो सिर्फ इस शर्त पे कि तुम्हारा इस इंस्टीट्यूट में लेट एडमिशन एक्सेप्ट। जोर का झटका जोर से खाने के लिए गेट रेडी कोच। मुझे कुंत से मिलकर सब कुछ सॉर्ट करना ही होगा। Damn it! शिट ट्विंकल यहाँ पे चल के क्यों आ रही है? मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच। ट्विंकल वेट, अतिरिक्त अतिरिक्त। आज सुबह युवी ने भी यही वर्ड्स यूज किए। जैसे क्या हुआ? जैसे ठीक तो तुम? ये ऐसे क्यों चला गया? आई होप जैसे चोट ठीक हो गई हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। थैंक्स कहने के बजाय एक बार और बाहों में आ जाओ, दिल को ठंडक पहुंचेगी। वैसे भी तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद से We are feeling hot, hot. Darling, ऐसे मत देखो। बहुत गर्मी चढ़ी है ना, उतारता हूँ तेरी गर्मी। अरे रॉक, एंट्री किसने दी तुझे यहाँ? अरे अरे भाई, ये तो रॉकी 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 सिंह भाई भाई सॉरी भाग। कुछ तो अब तक मेरी हेल्प कर रहा था, मैं ही उससे गलत समझ रही थी। मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। मुझे ट्विंकल को यूवी की सच्चाई बतानी ही होगी। मुझे तुम बोलो पहले। नहीं, पहले तो ही बोलो। इट्स ओके कुल, तुम पहले बोलो। कार में बात कर, काफी लेट हो चुकी है। बात भी हो जाएगी, तुझे ड्रॉप भी कर दूंगा। पर मैं कम ऑन ट्विंकल, तू अच्छी तरह जानती इतने रात को मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। कुंज, तू कॉलेज में कोचिंग करने जाता है या अनजान लोगों को लिफ्ट देने के लिए? नमस्ते मम्मी जी। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। माँ, इतनी रात को मैं ट्विंकल को अकेले कैसे आने देता? इसलिए मैंने लिफ्ट दी। तो क्या पूरी दुनिया की भलाई करने चला है? हाँ,
अरे जब ट्विंकल खुद चिल्ला चिल्ला कर हम सबको बता कर गई है कि वो अपनी जिंदगी बिना किसी मर्द के जीने की हिम्मत रखती है, तो फिर क्या कॉलेज से अकेले घर नहीं आ सकती? मम्मी जी मैं आई एम सॉरी मम्मी जी। ट्विंकल कौन? ट्विंकल अगर तू उसके पीछे गया तो तुझे मेरी कसम है। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बहुत हो गई तेरी मनमानी। अगर तू फिर से अपनी माँ की तबीयत खराब होते देखना चाहता है तो जा जा उसके पीछे। आप अंदर चलो। हाय ट्विंकल। हाय जस्टी। सॉरी मैं थोड़ी ग्रैंड प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया, बट आई होप यू लाइक इट। ऑफ कोर्स आई लाइक इट जस्टी, इट्स वेरी नाइस। अब जल्दी से खाना खाए, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। जैसी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। तुम सर्व करूंगी या मैं? मैं सर्व करती हूँ। As you wish. पानी लाना तो भूल ही गया, मैं भी पानी लेके आता हूँ। कुंज यहां भी टपक गया, बट हाउ? आई थिंक इंस्टीट्यूट के एडमिन डिपार्टमेंट से मेरा एड्रेस निकलवाया होगा, बट वाई? आई थिंक इसे मुझ पर डाउट हो गया है। तो कुंज का ब्रेसलेट है, ये जस्सी के घर में क्या कर रहा है? जस्सी? हाँ हाँ ट्विंकल आया। जस्सी कुंज का ब्रेसलेट तुम्हारे घर में? तो कुंजी था मुझ पे स्पाई कर रहा था। That means he knows कि मैं जस्सी हूँ। वो मुझे ट्विंकल के सामने एक्सपोज करने आया। कुछ कहा तुमने? हाँ नहीं ट्विंकल, एक्चुअली मैं क्या कह रहा था, यू नो ये जो ब्रेसलेट है ना, वो मुझे ग्रीन रूम के बाहर मिला। मुझे लगा मैं कल इंस्टीट्यूट में पूछ लूंगा कि ये किसका है और उसे हैंड ओवर कर लूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि दूसरों की चीजें रखना बैड मैनर्स है। जस्सी तुम ठीक हो ना? हाँ नहीं कुछ भी तो नहीं। खाना खाते तुमने ना मुझे पुरानी ट्विंकल से दोबारा मिला दी, मुझे दोबारा हंसना सिखा दी, खुश रहना सिखा दी। और एक बात बोलूं, ये दुनिया चाहे लाख सताए, कितना भी परेशान करे, तुम मत बदल। हमेशा ऐसे भोले से प्यारे से क्यूट से जस्सी रहना, अपनी खटारा सी स्कूटी वाली। इतने दिनों बाद ट्विंकल के चेहरे पर खुशी है। अगर मैंने उसे ये बता दिया कि यूवी जस्सी बनकर उसे धोखा दे रहा है, she will be very hurt।
शायद इसके बाद वो कभी किसी पर भरोसा ना कर पाए। पिंकल, इस टमी को खाने की जरूरत है, तो आई थिंक आई शुड गेट सम फूड। तू बैठ यहाँ पे, इधर इधर आ जा, तू बैठ। मैं भी बस यूं गया और यूं आया। एंड माइंड यू, इस बार अगर ट्विंकल का दिल टूटा तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड नोबडी एल्स। जस्सी कहाँ रह गया? तक आया नहीं। मैं सेल्फिश हूं और तू, तू जो उसके साथ ये सब गेम्स खेल रहा है उसका क्या? जस्सी, यू भी तेरे गेम्स के साथ साथ ट्विंकल के इमोशंस भी जुड़े हुए, कितना ट्रस्ट करती है वो तुझे। आई मीन यू भी और जस्सी दोनों को। जस्ट लुक एट यू, मुझे तो ये नहीं समझ में आता तेरा जमीर तुझे ये सब करने की इजाजत कैसे देता है। एंड यस यू आर राइट, अगर मैं चाहूं तो ये पूरा गेम एक मिनट में खत्म कर सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं। मैं ट्विंकल को कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उसकी परवाह है। मैं उसे दोबारा टूटते हुए नहीं देख सकता। जरा सा भी तुझे आइडिया है कि अगर ट्विंकल को जस्सी की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वो दोबारा तुझे कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, नफरत करेगी तुझसे। एंड यू विल बी अ लूजर फॉरएवर। और अगर उस वक्त उसे कोई संभालेगा तो वो होऊंगा मैं। मानता हूं कि मैंने ट्विंकल को बहुत हर्ट किया, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। एंड यू नो व्हाट, अब से हमेशा मेरी नजरें तुझ पर है। तुझे अपना गेम खेलना है खेल, लेकिन अगर तूने ट्विंकल को तकलीफ पहुंचाई देन आई विल गेट योर थ्रोट आउट। मैं तेरी सच्चाई सिर्फ इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूं कि मुझे ट्विंकल की फिक्र है। ये बात हमेशा याद रखना। जस्सी, जस्सी कहां रह गया? जस्सी, जस्सी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो खाना लेने जा रहे थे। अब हाँ, बस जा ही रहा था खाना लेने। जस्सी एक बात बताओ, यहाँ कोई आया था क्या? यहाँ नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कौन जाया था, लेकिन कोई यहाँ कैसे आ सकता? मैं भी ना, तुम कुछ कह रहे थे मुझे। हाँ, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं बस खाना लेके आता हूँ। जिसको जस्सी, जस्सी वापस आओ जल्दी। जस्सी, जस्सी देखो टूटता तारा, टूटते तारे से जो विश मांगू ना वो पूरी होती। चलो हम भी विश करते। मैंने कुंज को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत हर्ट किया, प्लीज वो मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ले और हमेशा खुश रहे, हमेशा। विश भी मांग रही है तो वो भी कुंज के लिए। दिस हर्ट्स। कुंज कहीं नजर नहीं आ रहा, शायद अपने कमरे में होगा। जल्दी से उसे ये रिंग दे देती हूँ। लगता है ऊपर कोई है, देखो तो।
क्यों रहा? मेरे फेस पे कुछ लग रहा है क्या? नहीं? नहीं अजीब हो गए। हाय मिस एक्स अमृत सर, तुमने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे जीता ये तो पता नहीं, लेकिन इतने हॉट टीचर को कैसे पटाया ये तो बता दो। कॉलेज में लड़के कम पड़ गए थे क्या? तक टीचर पे ही लाइन मार दी। बैड गर्ल, ये गंदी बातें ना यहाँ मत करना, समझी? गंदी बातें? फ्रेंड हम जब बात कर रहे हैं ना वही बात पूरा कॉलेज कर रहा है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद देख लो जाकर नोटिस बोर्ड के पास। सॉरी ट्विंकल, मैं तुझे किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन प्यार और जंग में सब कुछ जायज, इसलिए मैंने ये किया ताकि तू कुंज से नफरत करने लगे। ये सब तो होना ही था। फेस्ट में इन दोनों की इतनी पैशनेट परफॉर्मेंस के बाद रॉकी सर तो अपने प्यार का इजहार खुल्लम खुल्ला करेंगे। हाँ गाइस। किसने किया ये सब? टाइम पास करने आते हो यहां? क्लासेस नहीं है तुम लोगों के? कम ऑन गो बैक टू योर क्लासेस। रॉकी सर, प्रिंसिपल सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।